नहीं, सर स्वाति से पूछो, एकदम से प्रणय से नहीं। यस सर स्वाति, एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? नो, यू आर नॉट क्लियरली विजिबल टू मी। हाँ, पहले विजिबल तो हो, तब तो देखोगी। एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? यस, यू यू आर क्लियरली विजिबल टू मी। क्या मैं तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही हूँ? हाँ, तुम मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हो। प्रणय, एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? यस, आई यू विल विजुअल टू मी। सॉरी, रक्षा से पूछ लो, या हाँ, रक्षा से पूछ लो। रक्षा रक्षा, एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? यस, यू आई। सॉरी, निकिता से पूछ लो तुम। निकिता निकिता से। निकिता, एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? यस, यू आर क्लियर विजिबल टू मी। क्या नाम है, अनिमेश भैया से पूछो, ये सवाल सही है। अनिमेश भैया, एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? यस, यू आर क्लियरली विजिबल टू मी। क्या मैं आपको साफ साफ दिखाई दे रही हूँ? हाँ, आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अनिमेश पूछो, हु इज रेडी। हु इज रेडी? जिसने उत्तर दे आई दिया एम है वो रेडी। बोलना। हाँ, प्लीज रक्षा, एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? यस, यू आर क्लियरली विजिबल टू मी। क्या मैं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हूं? हाँ, आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हु इज रेडी? आई एम रेडी। शिखा देखा, दीदी, ये एम विकास, आई ये जो विकास लिखा है ना बेटा, शिखा की अपनी गूगल आईडी शायद नहीं होगी, तो जिस नाम से ज्वाइन करते हैं वही गूगल पे दिखाता है, शिखा है ये। शिखा दीदी टू यू? यस, यू आर क्लियरली विजिबल टू मी। शिखा दीदी, क्या मैं आपको साफ साफ दिखाई दे रही हूँ? हाँ, आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हु इज रेस्ट? रेस्ट रेस्ट। निकिता, निकिता, कैन आई क्लियरली विजिबल? सॉरी, अब मैं जानबूझ के अपना माइक ऑन नहीं करता हूं, बोलता नहीं हूं, केवल ऐसा दिखा देता हूं, या ऐसा। आज ये शिखा सारे सेंटेंस कैन में बना रही, प्रेजेंट सिंपल को भी कैन में बना दिया था। भारत माता की जय। चलो, दूसरा प्रश्न में, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। मैंने पहला प्रश्न किससे पूछा था बेटा? मुझसे योर नेम प्लीज। दिव्या। दिव्या, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यू आर ऑडिबल टू मी। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सर, पूरा राउंड घुमाना है। तुम्हें याद है तुमने किससे किया था? सोनम दीदी से। सोनम उसी क्रम दीदी, में। एम आई ऑडिबल टू यू? यस दिव्या, यू आर ऑडिबल टू मी। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। स्वाति, एम आई ऑडिबल टू यू? यस, यू आर ऑडिबल टू मी क्लियरली। क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। अनिमेश भैया, यस, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू?
यस यू आर ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल टू मी। क्या आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। रक्षा, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? यस यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी। क्या मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। शिखा दीदी, यस एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? यस यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी। क्या आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। निकिता, यस एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? शिखा दीदी, यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी। क्या आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। प्रणय भैया, हाँ जी, रेडी, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? रेडी। यस यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी। क्या क्या आप मुझे साफ साफ सुन पा रहे हैं? मैं आपको साफ साफ सुन पा रहा हूँ। सॉरी, क्या आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। रेस्ट Who is rest? हु इज रेस्ट? बेटा, एक सभी लोग देखना ध्यान से, ऐसा कोई भी एक डिब्बे घर में पड़ा हो तो थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ लगा के आप अपने मोबाइल को ऐसे उसमें फिट कर सकते हैं, तिरछा भी फिट कर सकते हैं। अब ये मोबाइल तो नहीं है इसलिए मैं तिरछा फिट करके नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो आप ऐसे बार बार हिलते हुए झूला झूलते हुए देख रहे हैं, इससे क्या होता है, देखने वाले कुछ चक्कर टाइप के आते हैं। तो ऐसा कुछ जुगाड़ अपन भारतीय लोग हैं, कोई भी किताब विताब रखी हो तुम्हारे जहां पे तुम बैठे हो टेबल पे, तो एक आध बुक के आगे पीछे ऐसे मोबाइल को एडजस्ट कर लो। भारत माता की जय के साथ। प्रणय, किसी का भी नाम लेके पूछ लो यार। शिखा, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, आई एम आंसरिंग। यस यू आर ऑडिबल टू मी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बच्चों, अगर तुम विजिबल नहीं रहोगे तो मैं अभी क्लास को यहीं पे एक बटन दबाऊंगा तो समाप्त हो जाएगी। अगर आपने अपने कॉलेज वॉलेज की क्लास अटेंड की है जिसमें आप इनविजिबल होके बस चुपचाप बैठे रहते थे, तो वो वन वे क्लासेस होती हैं। उसमें टीचर पढ़ाता जाता है, चुपता जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको विजिबल होना है। तो आप, हमें इससे दिक्कत नहीं है कि आप घेने से बैठे हैं, कोई बात नहीं, घिने से बैठे रहो, लेकिन देखो आप सब बड़े खूबसूरत लग रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और ऑल आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल।
अभी हम एक तारीफ करते हैं, उससे तुम्हें एक नया सेंटेंस भी मिलेगा, एक नया शब्द। द प्रोफाइल ऑफ सोनम इज वेरी गुड। ये जो अगर तुमने सीसी ऑन किया होगा तो स्पेलिंग स्क्रीन पर दिख रही है। द प्रोफाइल ऑफ सोनम इज वेरी गुड। सोनम ने अपने एक अपने घर के एक प्लेन वॉल को चुना है बैकग्राउंड के लिए, एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबके घर में ये सुविधा उपलब्ध हो। जैसे स्वाति मोबाइल हाथ में पकड़े हुए है, अभी मैंने जो तरीका बताया तो आज तो नहीं, कल से अपना लेना। हालांकि अपन ने 31 तारीख तक तय किया था। दोस्तों आज ठंड थोड़ी कम है। चलो अब इसमें जो जरूरी सेंटेंस हम उन्हीं को बोलते हैं, उसी का अभ्यास हो जाए। पहला सवाल मैंने किससे पूछा था? मुझसे दिव्या। हाँ दिव्या, इज माई वॉइस शॉपिंग? कम अगेन। अच्छा तुमने सीसी ऑन नहीं किया ना बेटा, ये 3 बिंदी दबाओ, सीसी ऑन करो। इज माय वॉइस चॉपिंग? नो सर, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज कट कट कर नहीं आ रही। सोनम दीदी, इज माय वॉइस चॉपिंग? नो, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट कर आ रही है? नहीं, तुम्हारी आवाज कट कट कर नहीं आ रही। स्वाति, इज माय वॉइस चॉपिंग? नो, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट कर आ रही है? नहीं, तुम्हारी आवाज कट कट के नहीं आ रही है। अनिमेश भैया, इज माय वॉइस चॉपिंग? नो, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं, आपकी आवाज कट कट के नहीं आ रही है। रक्षा, इज माय वॉइस चॉपिंग? यस, योर वॉइस चॉपिंग। सॉरी, यस, योर वॉइस इज चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? हाँ, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। शिखा दीदी, यस, इज माय वॉइस चॉपिंग? नो, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट कर आ रही है? नहीं, आपकी आवाज कट कट कर नहीं आ रही है। निकिता, यस, इज माय वॉइस चॉपिंग? नो, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट कर आ रही है? नहीं, आपकी आवाज कट कट कर नहीं आ रही है। डन। विनय भैया, इज माय वॉइस इज चॉपिंग? नो, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। बेटा प्रणय, गिव 3D। हर क्वेश्चन वाज रॉन्ग। गिव 3D। प्रणय भाई, 3 का दंड दीजिए। यस सर। जो लोग ईयरफोन लगाए होंगे उनके कान में बहुत जम के खड़खड़ाहट आ रही होगी पल्ले पलटने से। द क्लॉक इज टिकिंग, समय निकलता जा रहा है। डोंट लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। बेटा देखना उसमें ई नाम का आर्टिकल लगा है कि नहीं, नहीं लगा है तो लगा लो, फिर से पढ़ दो। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। लगा है ना?
सर। प्रणविया, इज माय वॉइस चॉपिंग? यस योर वॉइस इज चॉपिंग। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अनिमेश भैया, आई एम डन। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। भैया, इज माय वॉइस चॉपिंग? नो प्रणय, योर वॉइस इज नॉट चॉपिंग। क्या मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? नहीं, आपकी आवाज रुको रुक रुक के नहीं आ रही है। सर, इज माय वॉइस चॉपिंग? सर, म्यू। सॉरी यार, नो, योर वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर, इट इज नॉट चॉपिंग एट ऑल। क्या सर मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल नहीं कट रही है। इज एनीबडी रेस्ट? नो। ओके, एक और चीज सीख लेते हैं हम गूगल मीट की। टू हुम डिड आई स्टार्ट द राउंड? सो मी दिव्या। ओके दिव्या, इज योर सीसी ऑन? यस सर, माय सीसी इज ऑन। क्या आपका सीसी चल रहा है? मुझे सीसी चल रहा है। अब बच्चों, इससे दो चीजें सीखो कि हम बी चैप्टर का कितना खूबसूरत प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज को नोटिस करो, अभी तुमने बिना सवाल किए हमसे हर चीज को स्वीकार कर लिया। स्पेलिंग स्क्रीन पे आ रही थी, तुम कभी भी इस तरह का कोई भी अटेंड करोगे, सेमिनार कुछ भी, तो वो ऐसी ही लैंग्वेज बोलेंगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा। और बी चैप्टर है, अब है तो इसमें वैसे तो होना बताते हैं, जैसे आई एम आशीष झा, मैं आशीष झा हूँ, लेकिन हमने पूछा इज योर सीसी ऑन, तो ये बी चैप्टर है, लेकिन इसका हिंदी दो तीन हो सकते हैं। क्या आपका सीसी ऑन है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या आपका सीसी चालू है, एक ये हो सकता है, या तीसरा ये भी हो सकता है, क्या आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसा है, लेकिन इंग्लिश में बी चैप्टर कितना खूबसूरत है, इस पर विचार करना। इतने से में पूरी बात हो जाती तो आप देखेंगे कि रियल इंग्लिश कठिन नहीं है, जब हम अनुवाद करने लगते तब वो कठिन हो जाती है। तो दिव्या, उसी क्रम में आगे बढ़ाओ। इज योर सीसी ऑन? सोनम दीदी, इज योर सीसी ऑन? यस, माय सीसी इज ऑन। क्या आपकी सीसी ऑन है? हाँ, मेरी सीसी ऑन है। स्वाति, इज योर सीसी ऑन? यस, माय सीसी इज ऑन। क्या आपकी सीसी चालू है? हाँ, मेरी सीसी चालू है। अनिमेश भैया, यस, इज योर सीसी ऑन? नो, माय सीसी इज नॉट ऑन। क्या आपका सीसी ऑन है? नहीं, मेरा सीसी ऑन नहीं है। रक्षा, इज योर सीसी ऑन? यस, माय सीसी इज ऑन। क्या आपका सीसी चालू है? हाँ, मेरा सीसी चालू है। शिखा दीदी,
यस दिखा दी थी। इज योर सीसी ऑन? बेटा एक यस मिनट रुकना, बेटा रुकना। सबसे पहले रक्षा थोड़ा और धीरे बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है और वो तुम्हारे ईयरफोन हेडफोन के कारण है। वैसे ही बोलो जैसे यहाँ क्लास में बोलती हो ना, आवाज सुनाई नहीं देती है, उतने ही पिच पे बोलो, तो इसमें तेजी से सुनाई। और दूसरा एक बात और सुन लीजिए बेटा, शिखर म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। यहाँ स्क्रीन पे मुझे दिखता है कि कौन अनम्यूट है, हु इज अनम्यूट एंड हु इज म्यूट। दूसरा, दिस इज नॉट ए नॉर्मल कॉल बेटा रक्षा, बाकी सब ने स्वीकार कर लिया, सीख लिया है। तुम तब तक प्रश्न अपना नहीं बोलती हो जब तक उस तरफ से दूसरी आवाज ना आए। जरा कॉमन सेंस से सभी बच्चे सोच के देखना, जब हम नॉर्मल कॉल लगाते हैं तो उसमें दो ही लोग होते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की आवाज एक के बाद एक सुनाई देती है। लेकिन दिस इज नॉट ए नॉर्मल कॉल, इसमें 8 से 10 लोग होते हैं, कभी और क्लासेस में 20-30 बच्चे होते हैं। तुमने एक ही जगह तुम लोग सीख गए होगे तो देखा होगा, जब तुम लोग बोलना शुरू करते हो तो मैं म्यूट कर लेता हूँ यहाँ से, और पिछली बार अनम्यूट नहीं कर पाया था, भूल गया था, तो चेतन ने मुझे बताया। उससे क्या, उस समय क्या होता है, दो माइक बस ऑन होते हैं, एक पूछने वाले का और एक बताने वाले का, तो हमें साफ साफ सुनाई देता है। लेकिन आप सब लोग एकदम से अगर अनम्यूट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि किसी के यहाँ से खटखट की आवाज आ रही, किसी के यहाँ से गाड़ी की आवाज आ रही, किसी के यहाँ से ट्रैफिक की आवाज आ रही, किसी के यहाँ से मम्मी की चिल्लाने की आवाज आ रही, तो उसमें फिर वॉइस क्लियरिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप नाम लीजिए, अपना प्रश्न कर दीजिए, कुछ सेकंड तक इंतजार कीजिए, अगर वो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है तो उसके 2-3 अर्थ हो सकते हैं कि नेटवर्क इश्यू, सबसे पहला तो ये हो सकता है, नेटवर्क नेटवर्क कभी स्लो होता है, कभी हाई होता है, लो होता है, तो उसके कारण भी होता है, या उसका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। अब हमने इसलिए विजिबल होने के लिए बोला, जैसे मैं विजिबल था और मैं बोल तो रहा था लेकिन आवाज नहीं सुनाई दी, चेतन ने फट से नोटिस कर लिया कि सर म्यूट है, उसने फट से बता दिया सर यू आर म्यूट, हालांकि शायद उसने पूरा वाक्य नहीं बोला था। ये बड़ा अच्छा मौका था, उस समय आप पूरा एक वाक्य बोल सकते, शिखा यू आर म्यूट, अनिमेश यू आर म्यूट, बी चैप्टर है, बढ़िया। तो इसमें बी चैप्टर, और सबसे अच्छी बात है ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है, यू कैन सी एवरीथिंग इज कमिंग ऑन स्क्रीन। एंड सी गाइस, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, रक्षा सी आई एम नॉट स्पीकिंग वेरी लाउडली, एक्चुअली दिस मोबाइल डिवाइस इज सो सोफेस्टिकेटेड डिवाइस, सोफेस्टिकेटेड स्पेलिंग इज हियर, यह बहुत ही संवेदनशील डिवाइस है, उपकरण है, इसमें हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, ये हल्की सी आवाज को कैच करता है। अभी आपने देखा प्रणय जब बड़ा बड़ा पन्ने पलट रहा था तो हम समझ गए थे हम ईयरफोन का यूज नहीं कर रहे, ये हमारा लेटेस्ट मोबाइल है रेडमी पावर 9, तो ये बहुत इसकी माइक क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। इसके पहले जब मैं क्लास लेता था तो मैं नेक बैंड यूज करता था, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होके चलता है। और तुम में से कुछ लोग जो ये हेडफोन पहने हुए हैं, बेसिकली दे आर म्यूजिकल हेडफोन्स, ये म्यूजिक की बेस को और ट्रबल को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नॉर्मल ईयरफोन जो होता है वो टॉकिंग के लिए होता है, बट ओके वट एवर यू आर यूजिंग यू कैन कंटिन्यू यूजिंग, बिकॉज यू आर एक्चुअली रिलेटेड टू ऑफलाइन क्लास, यू आर नॉट रिलेटेड टू ऑनलाइन क्लास। सो स्पीक वेरी सॉफ्टली, बहुत चिल्ला के मत बोलो, आराम से बोलो, नाम लिख के सीधे प्रश्न कर लो, जवाब ना मिले तो
दोबारा प्रश्न कर दो तुम्हारा मुझसे, दोबारा इंग्लिश निकलेगी, किसी और का नाम ले लो। रक्षा शिखा दीदी, इज योर सीसी ऑन? यस माय सीसी इज ऑन। क्या आपका सीसी चालू है? हाँ मेरा सीसी चालू है। निकिता? यस। इज योर सीसी ऑन? यस माय सीसी इज ऑन। क्या आपका सीसी चालू है? हाँ मेरा सीसी चालू है। डन। प्रणय भैया? यस। इज योर सीसी ऑन? यस माय सीसी इज ऑन। क्या आपका सीसी चालू है? हाँ मेरा सीसी चालू है। Who is rest? If nobody is rest, if nobody is rest, you can ask me. Yes, sir. Is your CC, sir, is your CC on? No, beta, my CC is off, but I am going to switch on my CC. Sir, क्या आपका CC on है? बेटा प्रणय, जब क्लास में आना तो इसी पिच ऑफ वॉइस में बोला करना। यहाँ तुम काफी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, काफी जोर जोर से आवाज आ रही है। नहीं प्रणय, मेरा सीसी बंद है लेकिन मैं उसे चालू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्विच ऑन माई सीसी। दिव्या, इज माई पिक्चर लैगिंग? No sir, your picture is not lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक के आ रहा है? No sir, आपका चित्र रुक रुक के नहीं आ रहा है। ये होता है, ये सब चीजें होती हैं, वो सिखा दे रहे हम आपको। Go ahead. सोनम दीदी, is my picture is lagging? Sorry. मेरे दो सॉरी सोनम दीदी, इज माय पिक्चर लैगिंग? नो योर पिक्चर इज नॉट लैगिंग। क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं तुम्हारा चित्र रुक रुक नहीं आ रहा है। अगर किसी ने सॉरी बोला है बेटा, एक बार और बोल दो, मुझसे इंग्लिश निकलेगी। Is my picture lagging? No, your picture is not lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं तुम्हारा चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है। स्वाति, is my picture lagging? Yes, your picture is lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? हाँ तुम्हारा चित्र रुक रुक कर आ रहा है। अनिमेश भैया, is my picture lagging? अनिमेश भैया, इज माय पिक्चर लैगिंग? बेटा कभी कभी व्यक्ति डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दूसरा नाम चेतन दिख रहा है ना, यहाँ चेतन से पूछ लो। चेतन, इज माय पिक्चर लैगिंग? यस योर पिक्चर इज लिटिल बिट लैगिंग। क्या मेरी पिक्चर साफ साफ दिखाई दे रही है? हाँ तुम्हारी पिक्चर साफ साफ दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी सी झिलमिला रही है। निकिता? यस। इज माय पिक्चर लैगिंग? नो योर पिक्चर इज नॉट लैगिंग। क्या मेरी पिक्चर झिलमिला रही है? नहीं आपकी पिक्चर नहीं झिलमिला रही है। प्रेरणा भैया, is my picture lagging? No, your picture is not lagging. क्या मेरी पिक्चर झिलमिला रही है? नहीं आपकी पिक्चर झिलमिला नहीं रही है। I'm rest. रक्षा, is your picture lagging?
कम अगेन. इज योर पिक्चर लैगिंग? सॉरी भैया. इज माय पिक्चर इज लैगिंग? इज माय पिक्चर लैगिंग? भाई की प्राप्ति हुई है. नो योर पिक्चर इज नॉट लैगिंग. क्या मेरी पिक्चर झिलमिला रही है? नहीं, आपका चित्र रुक रुक के नहीं आ रहा है. हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट. शिखा दीदी, इज माय पिक्चर इज लैगिंग? सॉरी. इज माय पिक्चर लैगिंग? नो योर पिक्चर इज नॉट लैगिंग. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है. Who is rest? I am rest. Is my picture lagging? No, your picture is not lagging. क्या मेरी पिक्चर रुक रुक कर आ रही है? नहीं, आपकी पिक्चर रुक रुक के नहीं आ रही है. Who is rest? You can ask me. Is my picture lagging? No, your picture is not lagging. It is clear. क्या मेरी पिक्चर रुक रुक के आ रही है? नहीं, आपकी पिक्चर अटक नहीं रही है, बिल्कुल साफ है. बच्चों, अगर तुम में से किसी ने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे नीचे कुछ कुछ लिखा जाता है उस पर ध्यान दिया होगा, तो एक बहुत मजेदार चीज और सीख लो गूगल मीट की. गूगल मीट अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग करता है, तो तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहे हैं, और तुमने लिखा देखा होगा तो तुम्हें अच्छे से विश्वास भी हो जाएगा. नहीं पढ़ पाए होगे तो बात अलग है. श्वेता, किससे? टू हुम शुड आई आस्क? हु फर्स्ट? सो मी. दिव्या. दिव्या, दिव्या ध्यान से सुनना बेटा, स्क्रीन पे लिखा आएगा और वही लिखा आएगा जो स्क्रीन ऑटोमेटिकली कभी कभी देती है जब कोई डिस्कनेक्ट होता है. दिव्या, हु लेफ्ट द क्लास? अनिमेश भैया लेफ्ट द. दिव्या, कौन चला गया? सर, अनिमेश भैया चले गए. अब देखो बेटा, जाने के लिए हम हिंदी मीडियम वाले जब तक गो नहीं रख देते हैं तब तक पेट में गुड़गुड़ होती है. किसी वाक्य में जाना अगर आए तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन गो जरूर घुसेर देंगे. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही जब अनिमेश डिस्कनेक्ट हुआ था तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया था अनिमेश लेफ्ट. फिर जैसे ही अनिमेश ने वापस आया तो क्या लिखा हुआ आया था, किसी ने देखा बेटा? लिखा हुआ आया था अनिमेश जॉइंट. अब बताओ बेटा, विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? पास्ट सिंपल. वेरी सिंपल, पास्ट सिंपल. अगली बार देखना बेटा प्रणय, तुम भी ध्यान से देखना, सारे बच्चे देखना. कोई भी किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट होता है, चाहे नेटवर्क से या कोई बुला रहा हो तो डिस्कनेक्ट हो जाता है. बकायदा स्क्रीन में यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे लिखा हुआ आ जाता है. कितनी मजेदार चीज है. मैं फिर से पूछता हूँ, दिव्या, हु लेफ्ट द क्लास? सर, निमेश भैया लेफ्ट द क्लास. दिव्या, कौन चला गया? सर, निमेश भैया चले गए. वेरी नाइस. सोनम दीदी, हु लेफ्ट द क्लास? अनिमेश भैया वाज लेफ्ट द क्लास. अनिमेश भैया लेफ्ट द क्लास. देखो बच्चों, कितनी मजेदार घटना हुई. बेटा म्यूट योर सेल्फ सोनम. अब
सभी ने नोट किया, एंजॉय भी किया होगा, वो खुद भी एंजॉय कर रहे इस बात को। हम हिंदी मीडियम वाले जब तक वॉज ना लगाते, पता नहीं राधा ने कैसे क्या सिखाया है चीजों को, तब तक हम भूतकाल उसको मानते नहीं है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वी टू। अभी लिखा हुआ आया था जब अनिमेश डिस्कनेक्ट हुआ था, लिखा हुआ आया था। अभी चाहो तो तुम में से कोई भी एक जानबूझ के ये लाल बटन दबाओ और फिर व्हाट्सएप में जाके फिर ज्वाइन करो। रक्षा वर्मा लेफ्ट, देखो पढ़ा बेटा इस बार प्रणय, दिस इज सिंपल यार, गूगल मीट कैन टीच यू अ लॉट ऑफ इंग्लिश। रक्षा वर्मा ज्वाइंट, तुम्हारा सीसी ऑन नहीं भी होगा तो भी ये हर बार बताता है। थैंक यू रक्षा। सोनम से फिर पूछ लो भाई जिसने पूछा था। सोनम दीदी, हु लेफ्ट द क्लास? रक्षा लेफ्ट द क्लास। सोनम दीदी, कौन गया? रक्षा गई। स्वाति, गया शब्द कुछ अजीब सा नहीं लग रहा बेटा, थोड़ा सा हिंदी ढंग का कह दो ना। कौन चला गया? यस, कौन चला गया? स्वाति, हु लेफ्ट द क्लास? अनिमेश भैया लेफ्ट द क्लास। कौन चला गया? अनिमेश भैया चले गए। अनिमेश भैया, हु लेफ्ट द क्लास? बेटा एक मिनट रुकना, रुकना। स्वाति बेटा, तुम सेल्फी लेती हो कभी? नहीं, तुम देखो ना तुम्हारा प्रोफाइल में, हमें देखो, तुम लोग को अगर पूरा दिख रहा हो तो बताना, हमें तो नाक दिख रही है, होंठ दिख रहे हैं, ये वाला हिस्सा दिख रहा है और यहाँ तक दिख रहा है। सर यहाँ पे बार बार बहुत सारे डिस्टरबेंस हो रहे हैं तो वो हिल जा रहे हैं बार बार। अच्छा चलो ठीक, गो अहेड। अनिमेश भैया, हु लेफ्ट द क्लास? आई लेफ्ट द क्लास। कौन चला गया? मैं चला गया था। रक्षा, हु लेफ्ट द क्लास? आई लेफ्ट द क्लास। रक्षा, कौन चला गया था? बेटा म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। मैं चली गई थी। शिखा दीदी, यस, हु लेफ्ट द क्लास? रक्षा लेफ्ट द क्लास। कौन चला गया था? रक्षा चली गई थी। प्रणय, चेतन भैया, यस, हु लेफ्ट द क्लास? आफ्टर एनिमे, रक्षा लेफ्ट द क्लास। कौन चले गया था? अनिमेश के बाद रक्षा क्लास से चली गई थी। Who is rest? I'm rest. Nikita, who left the class? Raksha left the class. कौन क्लास छोड़कर चला गया था? रक्षा क्लास छोड़कर चली गई थी। प्रणय भैया, who left the class? अनुज left the class. कौन क्लास छोड़कर चला गया था? अनुज क्लास छोड़ के चला गया था। डन। हु इज रेस्ट? यू कैन आस्क मी बेटा। हु लेफ्ट द क्लास? मोगेम्बो लेफ्ट द क्लास। कौन क्लास छोड़ के चला गया था? मोगेम्बो चला गया था क्लास छोड़कर। अब एक और चीज सीख लेते हैं। दिव्या,
इस यस माय, अच्छा तुम लोग ये यस सर बोलने का शिकार को भी है बेटा, हम तो कर इस माय प्रोफाइल ओके। यस सर योर प्रोफाइल इज ओके। क्या मैं ढंग का दिख रहा हूँ? यस सर हाँ आप ढंग के दिख रहे हैं। सोनम दीदी इज माय प्रोफाइल ओके? नो योर प्रोफाइल इज नॉट ओके। बेटा तुम्हारा उत्तर गलत है, यहाँ सही उत्तर क्या होना चाहिए कोई भी बताए। नो यू आर नॉट विजिबल। यस ये होना चाहिए, ये जिसने भी बोला वो नोट कर ले और कल मुझसे ले ले। सर हमने ही बोला ना। अब विजिबल होना पड़ेगा ना बेटा, तब तो प्रोफाइल समझ में आएगा कि तुम चलता रह रहे, डिस्टर्ब हो जाते इसलिए नहीं विजिबल हो रहे हैं। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ऐसे में? नहीं सर। और अब देखो अब कैसा लग रहा हो, चक्कर से आ रहे बेटा? क्या करे, उदाहरण देने की ऐसे सीधा सीधा करके दिखा दो, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको करके दिखा दो। अब हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कैमरा हिला दिया, लेकिन आपका कैमरा जरा भी हिलता है आपका मोबाइल, तो वो देखने वाले को काफी ज्यादा उस पर असर दिखाई देता है। अच्छा सबसे मस्त बात देखो, निकिता अपोजिट लाइट में बैठी हुई है, तो वहां से बैक लाइट मार रहा है सन। ओके ओके ओके, लेकिन आपकी अगर सेल्फी अच्छी नहीं आती है कई बार, तो उसका कारण फोटोग्राफी की ये कुछ बारीक चीजें हैं बेटा। आपको जब आप देख रहे हो मोबाइल में, फ्रंट कैमरे का इजाद क्यों हुआ था? कि व्यक्ति अपने आप को देख के फोटो ले कि वो कैसा देख रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पूरा देख रहा है जितना। तो तुम लोग सब तो सेल्फी मास्टर हो, आज का युवा इस सेल्फी एक्सपर्ट, तो अपने आप को देखो तो तुम कितना दिख रहे हो, तुम्हें खुद भी तो दिख रहा है तुम कैसे दिख रहे हो ना। ओके प्लीज गो। सोनम दीदी इज माय प्रोफाइल ओके? यस नाउ यस योर प्रोफाइल इज ओके। क्या मेरी प्रोफाइल सही है? हाँ अब तुम्हारी प्रोफाइल सही है। स्वाति इज माय प्रोफाइल ओके? यस योर प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली ओके। क्या मेरी प्रोफाइल सही दिख रही है? हाँ तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी दिख रही है। अनिमेश भैया इज माय प्रोफाइल ओके? यस योर प्रोफाइल इज ओके। क्या मेरी प्रोफाइल सही दिख रही है? हाँ तो आपकी प्रोफाइल सही दिख रही है। रक्षा इज माय प्रोफाइल ओके? यस योर प्रोफाइल एब्सोल्युटली ओके। एब्सोल्युटली इज ओके। सॉरी यस योर प्रोफाइल इज ओके। क्या मेरी प्रोफाइल सही दिख रही है? हाँ आपकी प्रोफाइल सही दिख रही है। शिखा दीदी इज माय प्रोफाइल इज ओके? योर प्रोफाइल इज ओके। क्या मेरी तस्वीर सही दिख रही है? हाँ आपकी तस्वीर अच्छी दिख रही है। निकिता चेतन भैया यस इज माय प्रोफाइल? अच्छा इससे ही कुछ इज माय प्रोफाइल ओके?
यस योर प्रोफाइल इज ओके। क्या मेरी प्रोफाइल ठीक ठाक दिख रही है? तो भाई चेक पिन करना जरूरी है। चेक पिन जो होती है गड़बड़ हो गई है, थर 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 थर। जो लोग ईयरफोन लगाए हैं उनको भी क्या हो जाती है। तुम लोग अपने तुम लोग नाश कर लेते हो अपना ये ईयरफोन, खूब खूब लगा लगा के देखते हो और कभी भी ऐसा खींच के निकाला नाश हो जाता है वो। सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, दीज ऑल आर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस। ये सब संवेदनशील चीजें हैं बेटा, इसमें गवारों की तरह ना तो चिल्ला के बोलने की जरूरत होती। हमने कई लोगों को फोन पे देखा ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करे जैसे सामने वाला बहरा हो। बड़े आराम से बात करो, वो अपने आप से उसको इनलार्ज कर देती है। डिवाइस है, चाइना ने बनाई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस। ओके Is my profile okay? Yes, your profile is okay. क्या मेरी प्रोफाइल ठीक ठाक दिख रही है? हाँ, आपका चित्र ठीक ठाक दिख रहा है। Done. चेतन भैया, is my yes, profile yes. okay? Yes, profile is, yes, your profile is okay. You are looking so beautiful. क्या मेरा चित्र साफ साफ दिख रहा है? हाँ, आपका चित्र साफ साफ दिख रहा है। थैंक यू तो बोल दो, शर्मा गई वो पक गई वो। थैंक यू। Mention not. Pranay, is my profile okay? Yes, your profile is okay. क्या मेरा चित्र सही दिख रहा है? हाँ, आपका चित्र सही दिख रहा है। Who is rest? Is your profile is okay? What? My profile? Yes, sir. My profile. हाँ, my profile is okay. क्या आपका profile सही दिख, आपका profile सही है? तुम बताओ ना, हम सही दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हाँ, थोड़े यहाँ के बाल उठ रहे होंगे बस। आज नहाया नहीं है। Looking handsome. चलो, उसने प्रश्न सही नहीं कर पाया, अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज चाहो तो तुम लोग चेक कर सकते हो। अब अपने पूरे समय तो ऑनलाइन नहीं रहेगी क्लास, लेकिन कल की क्लास के बाद कुछ लोगों ने चेक किया होगा तो उनका पूरा डेटा साफ हो गया होगा, वो कुछ और देख ही नहीं पाए होंगे बेचारे। तो आज हमने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आधे घंटे व्हाट्सएप का यूज करवाया और एक घंटे अपन ने गूगल मीट का यूज किया। अब अपन विराम देते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास 1 GB 2 GB डेटा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम विराम देते हैं, आज का इंटरटेडियम नहीं देते। जरूरत पड़े तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। और आज आपने 2-3 चीजें सीखी कि हिंदी टाइप कैसे। बेटा, मैं टाइप नहीं कर रहा था, मैं तो केवल एक माइक का बटन दबाता था और हिंदी बोलता था। पहले मैंने सारे सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिए
फिर उसके बाद कीबोर्ड में जाके हिंदी चेंज किया और फिर सारे सेंटेंस ऐसे बोलते गया, वो अपने आप टाइप करता चला गया। हाथ उठा के बस बता दो ये प्रोसेस किस किस को पता है। निकिता को पता है, रक्षा को, चेतन को पता है, स्वाति को। तो जब क्लास में आओ आगे तो बाकी इन बच्चों को बता देना कि वो वाला कीबोर्ड, मुझे खुद भी नहीं आता था, मैंने अपने बेटे से वो वाला कीबोर्ड अप्लाई करवाया, तो उसमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मैं माइक्रोफोन का बटन दबाता हूँ, कीबोर्ड में राइट साइड में ऊपर होता है, और मैं जो भी बोलता हूँ वो अपने आप टाइप करता जाता है और कुछ ही सेकंड में कर देता है। तो आप हिंदी भी अच्छे से, हाँ बीच में एक आध चेक करना पड़ता है, एक आध मिस्टेक होती है तो फिर वहां जाके उसको डिलीट करके फिर सही टाइप कर दो, ये कभी कभी होता है, लेकिन इतना सारा समय बच जाता है टाइपिंग का। तो जब इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं और आविष्कार हैं तो आप उसका लाभ उठाइए और सीखा अपनी एक आईडी बनाओ बेटा, गूगल जीमेल में एक आईडी होना चाहिए नाम की, आगे कॉलेज वॉलेज में कैंपस में अभी जरूरत पड़ेगी, विकास की आईडी नहीं चलेगी फिर उसमें। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कुछ भी हो आप ग्रुप में हरा बटन दबा के पूछें या बताएं जो भी दिक्कत हो। सी आज क्या 30 तारीख है बच्चों, यस कल भी ऑनलाइन आना है आपको कि कल आ जाओगे ऑफलाइन? चलो व्हाट्सएप में सब लोग सोच के बताना, वैसे अपन ने 31 तारीख तक का रखा था तो कल भी अपन ऑनलाइन ही रहेंगे, अगर तुम्हारा मन बदले मौसम सही हो जाए तो सूचित करना व्हाट्सएप में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।